महाराष्ट्र वड़ा पाव, वड़ा पाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुणे, पुणे महाराष्ट्र, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग है। पुणे महाराष्ट्र की एक प्राचीन और शानदार नगरी है जिसे मराठा साम्राज्य के समय भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता था। यह शहर इतिहास के गहराइयों में इतना डूबा है जहाँ हर गली हर मोहल्ले में बस यहाँ की कहानी एक अलग छुपी है और इसी कहानियों के बीच छुपा है यहाँ का वड़ा पाव। और जब बात आती है पुणे के कुछ खाने की तो एक नाम सबसे आगे आता है, वो है गार्डन वड़ा पाव। गार्डन वड़ा पाव जो पुणे के दिल में बसता है, एक ऐसा स्थल है जहाँ आपको असली पुणेरी स्वाद मिलता है। यहाँ के वड़ा पाव की कुछ बात ही और है। तो इसी वड़ा पाव को चखने के लिए हम आज जाने वाले हैं और हम आपको लेके जाने वाले हैं पुणे के उस प्राचीन गलियों में जहाँ ये बेहतरीन वड़ा पाव मिलता है। आज है हम पुणे के कैंप में, कैंप एरिया में, जेजे गार्डन के अपोजिट साइड में गार्डन वड़ा पाव पे। और मेरे को भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब टेस्ट तो काफ़ी लाजवाब होने वाली है, तभी इतनी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अपन गार्डन वड़ा पाव की कहानी और करते हैं टेस्ट गार्डन वड़ा पाव। जैसे हम पुणे गार्डन वड़ा पाव में दाखिल हुए, सबसे पहले तो हमारी नज़र यहाँ के दो कारागिर पे दिखी। एक कारागिर यहाँ पर वड़ा पाव की प्लेट सजा रहा था और दूसरा कारागिर पार्सल तैयार कर रहा था। यही नहीं, इनकी भी कहानी कुछ अलग ही बयां करती है क्योंकि इनके हाथ तो ऐसे चल रहे थे जैसे कोई रेलगाड़ी। माझं नाव चेतन नंदकुमार नायको आहे। ॲक्च्युली आमचे आजोबांनी हे स्टार्ट केलं आहे 1972 मध्ये। आमच्या आजोबांनी पहिले ॲक्च्युली समोर आमची गाडी असायची, नंतर नंतर जसं क्राऊड वाढत गेलं मग आम्ही ह्या साईडला घेतो। जॉईंट फॅमिली आहे, तर जॉईंट फॅमिलीमध्ये सगळा बिझनेस हा तर आमच्या आज काका आणि पप्पांनी सांभाळला। आता आम्ही नेक्स्ट जनरेशन आम्ही हे करणार, सांभाळणार। ॲक्च्युली आम्ही अहमदनगरमधले, अहमदनगरमध्ये ॲक्च्युली त्या वेळेस काही नव्हतं काम वगैरे, तर आजोबा सगळी फॅमिली घेऊन इकडे आले होते पुण्यामध्ये। तर पुण्यामध्ये काय काम करायचं, काम केलं भरपूर ठिकाणी पण काय नाही भेटलं। मग आजोबांनी काय डोक्यात घेतलं की स्वतःचा काहीतरी बिझनेस स्टार्ट करूया, मग हे चालू केलं होतं, छोटासा ठेला चालू केला होता 1972। ताक है इसमें बूंदी पहले ही डाली है और अभी ऊपर से ठंडा वाला ताक डाल रहे हैं। नाव कसं पडलं, ॲक्च्युली कसं झालं, आमच्या पहिल्या शॉपला नाव वगैरे म्हणजे काहीच नव्हतं, म्हणजे साधं होतं इथं। आणि लोक गार्डनच्या समोर, हे समोर जे गार्डन तर जे गार्डन लोकांनी, मग ते लोकांचं जे लोक म्हणत गेले की नाही गार्डनच्या समोर तर वडापाव खायचं, गार्डनच्या समोर ते लोकांनीच ॲक्च्युली आम्हाला ते हे केलं आणि ते आम्ही नंतर मग आम्ही स्वतःच गार्डन वडापाव करू। लड़का है, मेरा भांजा है, ये कैसा छुट्टी होता है ना मतलब स्कूल कॉलेज स्कूल में तो इधर आके रुकता है वो। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है इधर आने, फैमिली सपोर्ट करते हैं। हमने गार्डन वड़ा पाव के मालिक से थोड़ा बात किया, उन्होंने अपनी और दुकानों के बारे में हमें बताया और उन्होंने बोला कि उनकी मेकिंग कई अलग जगह होती है। तो
तो हम तुरंत उनके मेकिंग की ओर चले गए। वहाँ पे हमने देखा कि वही मेहनत और वही स्वाद वहाँ भी नजर आ रहा था। और बात बताऊ, वहाँ के कारागीर, एक जो सिलसिला है ना इन कारागीरों का, वो काफी अलग था। कारागीर का ये सिलसिला यही नहीं रुका, हर दिन एक नए सपने और नए इरादों के साथ गार्डन वड़ा पाव में रोज कस्टमर्स की भीड़ होती है। अब समय हो चुका था वापस जाने का, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके भी टेस्ट करना था हमारी गार्डन वड़ा पाव को। द टाइम इज ओवर एंड मेरे हाथ में है गार्डन वड़ा पाव का वड़ा पाव। और मतलब पहले लाइन में लगना पड़ता है, लिटरली मतलब इतनी भीड़, मतलब वहाँ पे पहले लाइन में लग के टोकन लेना पड़ता है, फिर इसमें इधर बाद में वड़ा पाव मिलता है। और सिंपल सी मेकिंग है, कुछ नहीं है, बस सिंपल से हरी चटनी डाली हुई है और एक वड़ा है और थोड़ी सी मिर्ची दी हुई है। वड़ा बिल्कुल ही गर्म है। जो वड़ा था वो पूरा मतलब गरम वड़ा है और हरी चटनी, टेस्ट अमेजिंग। हाउ मच कॉस्ट? ओनली 18 रुपीज। 18 रुपये में इतना बड़ा वड़ा पाव, मतलब मैंने मुंबई में नहीं नहीं खाया है। आगे जाकर मुंबई की भी सीरीज आएंगी, पर मुंबई में मैंने ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया। पुणे में अगर ये क्वालिटी में वड़ा पाव मिलेगा, लिटरली मैं खुश हो गया। वड़ा पाव के साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। MG रोड पुणे कैंप एरिया में आप कभी भी आओगे ना, तो एक बार ये गार्डन वड़ा पाव को जरूर एक बार विजिट कीजिए। इन यहाँ की टेस्ट जो है छाछ की ऑसम है, और जो इसकी टेस्ट है वो तो सुशांत ने आपको बता ही दी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द चैनल। इफ़ यू न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि इनकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, सारी दुनिया को पता चल जाए। तो गार्डन वड़ा पाव ये एक सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये है असली पुनेरी स्वाद, ये है असली गार्डन वड़ा पाव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक किए। आप अगर पुणे से है और आपने अगर अभी तक इस गार्डन वड़ा पाव को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप ज़रूर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गार्डन वड़ा पाव की बहुत सारी शॉप्स पुणे में अभी ओपन हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके भी यही टेस्ट, यही अनुभव ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।